हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। बट कौन से फॉरेन इन्वेजन्स? तो देखिए, राइट नाउ हमने मगध एम्पायर के 3 डायनेस्टीज पढ़ के कंप्लीट किए हैं, राइट? तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हरियंका डायनेस्टी हो गई, आपके शिशुनाग डायनेस्टी हो गई, नंद डायनेस्टी हो गई, ये सब चल रहा था मगध में, तो उसी टाइम में बाहर से कुछ आक्रमण भी हुए थे इंडिया के ऊपर। तो बस उसी टाइम में कंटेम्प्रेरी जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे उनके बारे में अब हमें आज स्टडी करना है। तो फटाफट से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें। The Achaemenian ruler of Iran took advantages of the political disunity on the northwest frontier of India. जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, उस टाइम में काफी ज्यादा डिसयूनिटी थी। जो यहाँ के लोकल राजा थे, लोकल रूलर्स थे, उनमें अपने आप में ही नहीं बनती थी, अपने आप में ही कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो बाहर के लोग आके क्या करते थे, इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। वैसा ही किया ईरान के Achaemenian रूलर्स ने, ठीक है। अब ईरान, अब जो फॉरन इन्वेजन्स हैं, आप इन्हें ईरानियन इन्वेजन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मेनली ईरान से थे जो 3 हम रूलर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या रहा ईरानियन आपके इन्वेजन का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइरस। साइरस कहाँ से आए? पर्सिया से आए। 588 BC से 530 BC, ये इनका टाइम पीरियड था। फर्स्ट फॉरेन कॉन्करर टू पेनिट्रेट वेल इनटू इंडिया, भारत में ढंग से घुसने वाले, अच्छी तरह से पेनिट्रेट करने वाले पहले फॉरेन कॉन्करर कौन थे? साइरस थे। ये क्वेश्चन बनता है। ही कैप्चर्ड द गंधारा रीजन, जो गंधारा रीजन था उसको कैप्चर किया इन्होंने। ही डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ कैपिसा नॉर्थ ऑफ काबुल, जो कि अफगानिस्तान में काबुल के नॉर्थ में कैपिसा नाम की सिटी है, उसे डिस्ट्रॉय किया साइरस ने, ठीक है। एनरोल्ड इंडियन सोल्जर्स इन पर्सियन आर्मी, जो पर्सियन आर्मी थी, ठीक है, वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स की एनरोलमेंट की, समझ रहे हैं, जो भारतीय सैनिक थे उनको अपनी अपनी आर्मी में इंक्लूड किया, ठीक है। अब साइरस के ग्रैंडसन आते हैं डेरियस वन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जो मोटे मोटे पॉइंट्स लग रहे हैं ना, कि फर्स्ट फॉरेन कॉन्करर टू पेनिट्रेट वेल इनटू इंडिया साइरस थे, इंडियन सोल्जर्स को पर्सियन आर्मी में किसने एनरोल किया, साइरस ने किया, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। डेरियस वन जो है ग्रैंडसन थे साइरस के, राइट। ही इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 516 बीसी। अब बीसी और एडी का कंसेप्ट मैंने बहुत बार समझाया है। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, एडी मींस एनो डोमिनो। लेकिन क्या होता है, बीसी में चलता है उल्टा, 500, 400, 300, 200, एडी में चलता है सीधा 100, 200, 300, 400। अब इसको अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अदरवाइज आई होप आपको ये सब पता होगा, तो मैं यहाँ पे नहीं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो ना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो डेरियस वन कब आए, हमने पढ़ लिया। ही एनेक्स्ट पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध, इन एरियाज को उसने कवर किया। अब देखिए आपने करना क्या है, साथ में मैंने आपको 100 बार कहा है, हर बार मैं कहती हूँ, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप ये पास में रखो। नहीं हो पाता है, स्टडी टेबल नहीं है और आप वैसे बैठ गया है कहीं ऐसे एडजस्ट करके पढ़ते हो, एटलस अपने साथ में रखो। वहाँ पर देखो पंजाब कहाँ है, वेस्ट ऑफ इंडस मतलब झेलम नदी के, सॉरी सिंधु नदी के जो वेस्ट वाला एरिया है, सिंध है, तो कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है। फिर आते हैं एग्जैक्सस, ये इनके सक्सेसर थे डेरियस के। ही एम्प्लॉयड इंडियंस इन द लॉन्ग वॉर अगेंस्ट ग्रीक्स, ग्रीक्स के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को उस और आर्मी में इंक्लूड किया, लेकिन बाद में ये उनसे हार गए थे। फिर बाद में इंडियंस ने भी कह दिया कि, मतलब इंडियंस ने भी एक तरह से अलग क्या कहते हैं उसे, रिट्रीट कर दिया कि हम आगे अब युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्वेश्चंस बनते हैं, अब क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ ईरानियन इन्वेजन। जब ईरानी यहाँ पे आए तो उनके आक्रमण के क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए। पहला है ग्रोथ ऑफ इंडो ईरानियन ट्रेड, इंडिया और ईरान के बीच में व्यापार बढ़ा, ठीक है। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा साथ में। सेकेंड पॉइंट है द यूज़ ऑफ खरोश्ती स्क्रिप्ट, अ फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में खरोश्ती स्क्रिप्ट का आगमन हुआ, ये एक्चुअल में ईरानियन राइटिंग थी, बट ये अब ईरानी यहाँ पे आए अपने साथ, वो आपको पता है लाइफ स्टाइल कल्चर सब कुछ साथ लेकर आते हैं, तो खरोश्ती स्क्रिप्ट का आगमन हुआ इंडिया में। कैसे पता चलता है, सम ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो रिटन इन दिस स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, हम अलेक्जेंडर पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम मौर्या स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर अशोक आते हैं। अब जो अशोका थे इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो खरोश्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। अब खरोश्ती स्क्रिप्ट तो ईरान की थी, वो यहाँ कैसे आई, तो ऑब्वियसली इनके साथ ही आई होगी, है ना। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा, एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, फिर वहाँ पे आगे की बातचीत हो जाएगी। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सियन आर्ट ऑन द आर्ट ऑफ मौर्याज। जो पर्सियन आर्ट था, कला था वहाँ की, जो कला थी उसका इम्पैक्ट पड़ा जो मौर्य थे उनकी कला पे भी, पर्टिकुलरली द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका एंड द स्कल्पचर्स फाउंड ऑन देम।
मोनोलिथिक पिल्लर हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, सारे पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे। ठीक है, अब देखिए आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट जाएं और वहां पे आके मुझे फॉलो करें। लास्ट पॉइंट आता है दैट दे प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अब इन्होंने क्या किया, बाहर से आक्रमण करना स्टार्ट किया, तो जो बाहर के और लोग भी थे उन्होंने भी आक्रमण करना स्टार्ट किया। इसी में थे अलेक्जेंडर, उन्हें ना यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की वेल्थ, इन सब के बारे में मतलब वो इतने, आप कहते हैं ना कि इतने उत्सुक हो गए कि वो यहाँ आना उन्होंने जो है डिसाइड किया, यहाँ पे आया। आपको पता है कितनी लूटपाट की सब कुछ हुआ जो भी हुआ। तो बस अब हमें नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम यही पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के बारे में, तो काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है वो 10-12 मिनट का। ठीक है, तो आप बस पेशेंस बना के रखें एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो। प्लस मैं राइट नाउ करंट अफेयर्स की सीरीज भी करवा रही हूँ, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स पढ़ने में जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी सीरीज तो कंटिन्यू रख ही रही हूँ, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।